हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रगड़ा पेटीज। ये मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। वैसे ये तो सब जगह बनता है बट फेमस मुंबई का ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने वाइट मटर को रात भर भिगो के रखा हुआ था और इसको हम उबाल लेंगे नमक और हल्दी पाउडर और बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून डालकर उबाल लेंगे। और हमें चाहिए बॉयल पोटैटो, जिसको हम मैश करेंगे, उसमें कुछ मसाला मिलाएंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और सफ़ेद नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, और इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रंची करने के लिए हम पोहा को ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लेंगे और उसमें से 2 टेबल स्पून डालेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें छोटा छोटा बॉल बनाएंगे इसका, जिससे हम पेटीज तैयार करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें बनाना है, ना बहुत बड़ा और ना ही छोटा, मीडियम साइज का। देखिए बिल्कुल ऐसे बनाना है। अब हम इसे सैलो फ्राई कर लेंगे, पैन गरम करेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, फिर हम इस टिक्की को, पेटीज को सैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही इसे पलटें, थोड़ा सा एक साइड से करा हो जाएगा फिर ये टूटेगा नहीं, और इसमें हमने पोहा डाला है उससे ये क्रंची भी बनेगा। एक तरफ से ये अभी लाइट ब्राउन हो गया है, फिर दूसरी तरफ से करेंगे, इसे थोड़ा सा और ब्राउन करना है ताकि अंदर से सॉफ्ट रहे और ऊपर से क्रंच रहे अच्छा सा। मीडियम टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। अब ये हो गया है, देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, चाट तो सबको पसंद आता है। देखिए हमने ये जो मटर उबाल कर रखा हुआ था, नमक और हल्दी डालकर, अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। पहले हम रगड़ा यानी कि सफ़ेद मटर की जो छोले बनाए हैं हमने वो डालेंगे, उसके बाद उस पर हम पेटीज डालेंगे, फिर इसके ऊपर से फिर से हम रगड़ा डालेंगे और फिर कुछ मसाले डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, हरी चटनी और इमली की चटनी मीठी वाली जो होती है वो डालेंगे, उसके बाद इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, बट ये चटपटा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, उसके बाद फिर से चटनी डालेंगे हम, इमली वाली और हरी चटनी, अब इसके बाद चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर, और इस पर सेव भुजिया भी आप डाल दें। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं खाना था। और नींबू और हरी मिर्च के साथ गार्निश कीजिए। देखिए कितना यमी लग रहा है, ये देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। थैंक यू।